Hi friends, welcome again on CA.Nitin Gupta classes. Let us come. So, paper exam point of view से एक तरीके से last video आप इसको समझ लो, last topic समझ लो फटाफट से और इसमें काफी कुछ है exam point of view से बहुत important. ठीक है, supply, supply under GST. What do you mean by supply? क्योंकि अगर उस चीज को supply consider किया जाएगा तो वो taxable होगी, otherwise वो taxable नहीं होगी. तो तीन चीजें A, B, C. These three things are included in supply and these two things are excluded from supply. एक तरीके से आप इनको बोल सकते हो exempted supplies. Okay. तो included in supply, excluded from supply. Now, included in supply, A, B, C. A, all forms of supply, all forms of supply of goods or services or both by the name of sale, exchange, barter, transfer, license, lease, by whatever name called. Okay. For a consideration. Consideration होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कोई free में काम किया है, zero, अब मैं बोलता हूँ GST rate है 18%, तो 18% लगेगा तो किसी value पे ही, तो अगर value zero है, तो GST भी zero हो जाएगा यार, कहानी खत्म. किंतु परंतु, जब हम C case में आएंगे, तो हम चार चीजें ऐसी पढ़ेंगे जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, तब भी दैट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई और उस पे जीएसटी लगता है मेरे भाई. ओके, लाओ फिलहाल कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है. बाय अ पर्सन मेड और एग्रीड टू बी मेड, तो जैसे आपने फाउंडेशन में सीखा होगा सेल और एग्रीमेंट टू बी सेल, तो दोनों कंसिडर किए जाते हैं. अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल हो चुका दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड. तो all forms of supply of goods or services or both by the name of sale, transfer, exchange, barter, license, rental, lease, made or to be made, agreement to be made, agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business, in the course or furtherance of business. तो मेरे भैया बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब उस चीज का आपका बिजनेस हो या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फॉर द बिजनेस, जो चीज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस नहीं होगी वो सप्लाई नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल आप मिस्टर एक्स हो, ओके, आपने बीएमडब्ल्यू कार खरीदी, ठीक, private purposes, not business purposes, private purposes, 50 lakh rupees, ठीक है, आपने दो तीन साल चलाई, फिर आपने second hand car dealer, Mr. Y, अब आपने जब 50 लाख की कार खरीदी तो BMW जो कंपनी है उसके लिए वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उस पर सप्लाई मानी जाएगी, उस पर जीएसटी लगेगा. तो 50 लाख पे लेट 18% जीएसटी 9 लाख. तो जब आपने खरीदी होगी तो आपने 59 लाख की खरीदी होगी जिसमें आपने 9 लाख जीएसटी पे किया, लेकिन क्योंकि आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो, आप प्राइवेट पर्पजेस के लिए गाड़ी ले रहे हो, अल्टीमेट कंज्यूमर हो, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलेगा. आपने 59 लाख रुपीस देके BMW ले, अब आपने दो तीन साल यूज करी और तीन साल बाद आपने ये गाड़ी सेकेंड हैंड डीलर मिस्टर वाई को 10 लाख में बेच दी. आपने जब ये कार मिस्टर वाई को 10 लाख में बेची तो भैया आप के लिए वो कार सेकेंड हैंड डीलर को बेचना ना तो कोर्स ऑफ बिजनेस है ना फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, किसी भी तरीके से आपका बिजनेस नहीं है वो कि आप गाड़ियां खरीदते हो और सेकंड हैंड में बेचते हो, ये आपका कोई बिजनेस नहीं है. इफ इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी नाइदर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नॉर फॉर द बिजनेस इट इज नॉट अ सप्लाई एंड इफ इट इज नॉट अ सप्लाई इट इज नॉट टैक्सेबल. तो इस 10 लाख पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, तो आप पूरे 10 लाख की ही बेचोगे और मिस्टर वाई 10 लाख ही पे करेंगे, नो जीएसटी. लेकिन मिस्टर वाई इस गाड़ी को डेंटिंग पेंटिंग करके 15 लाख की बेचे अगर, तो मिस्टर वाई के लिए वो बिजनेस एक्टिविटी है, ही बाय समथिंग एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही सप्लाई समथिंग,
दैट्स अ बिजनेस एक्टिविटी, अब उस पे जीएसटी लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वैसे मैं बेसिक कंडीशन प्रॉब्लम उसमें क्लास में समझा चुका हूं, लेकिन फिर तो ए कैटेगरी तो सप्लाई इंक्लूड्स थ्री थिंग्स एबीसी। फर्स्ट, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय द नेम ऑफ सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से एक ही पॉइंट खत्म, तो दैट इज नॉट अ सप्लाई। ठीक है। बी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, आपने पेमेंट किया उसके लिए, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस डजंट मैटर, कि वो बिजनेस एक्टिविटी के लिए है या नहीं, इफ यू हैव पेड फॉर एन इंपोर्टेड सर्विस जीएसटी लगेगा और रिवर्स चार्ज का केस हो जाएगा, जो रिसिपियंट है उसी को आईजीएसटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटर स्टेट में ही हम आईजीएसटी लगाते हैं, ये तो इंटर कंट्री है। ठीक है। तो अगर आपने इंपोर्ट किए हैं सर्विसेज और उसके लिए पेमेंट की है, पेमेंट इफ पेड देन डजंट मैटर कि वो प्राइवेट पर्पसेस के लिए है या बिजनेस पर्पसेस के लिए, डजंट मैटर। तो लेट फॉर एग्जाम्पल आपको अपना घर बनवाना है, घर दैट इज प्राइवेट पर्पसेस, पर्सनल पर्पसेस, आपने फॉरेन कंट्री में कोई बंदा है उससे अपने घर का डिजाइन बनवाया, सब कुछ लेआउट, उसने वहां से वो डिजाइन भेजा, आपने यहां से 5,00,000 रुपए भेजे, तो आपने इंपोर्ट की कुछ सर्विसेज और उसके लिए आपने पेमेंट किया 5 lakhs, नॉट डजंट मैटर वो बंदा आपका कोई रिलेटिव है या नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, आपने पेमेंट की है फॉर इंपोर्टेड सर्विस आईजीएस मतलब जीएसटी लगेगा, तो 5 lakh का लेट 18%, तो 90,000 आपको आईजीएसटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो रिवर्स चार्ज। ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन डजंट मैटर फॉर प्राइवेट पर्पसेस और फॉर बिजनेस, तो डजंट मैटर वेदर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बिना तो सप्लाई मानी नहीं जाएगी, जीएसटी लग ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल 1 में 4 चीजें स्पेसिफाइड हैं, उन 4 चीजों के अकॉर्डिंग मिलोया कोई कंसिडरेशन ना हो तब भी उस पर जीएसटी काउंट हो जाएगा। ओके। तो सबसे पहले 3 चीजें रिवाइज करेंगे। पहले, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन डजंट मैटर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट। थर्ड, ट्रांजेक्शंस स्पेसिफाइड और एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 विदाउट अ कंसिडरेशन आइदर मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 में 4 चीजें स्पेसिफाइड है। सबसे पहली चीज, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स। तो कैपिटल असेट्स के बारे में हम जान चुके हैं कि कैपिटल असेट पे क्या चीज होती है, कैसे होता है, क्या होता है जीएसटी में। तो जीएसटी में जो कैपिटल असेट्स होते हैं भैया, वो कैपिटल असेट्स होते हैं उनपे आप फाउंडेशन होती है जीएसटी एक्ट की, कि आपको 5 साल तक अपने बिजनेस में यूज करना है। आपने एक मशीन खरीदी वर्थ 10 lakhs, लेट मैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इजी करने के लिए 20% जीएसटी रहा, जबकि 20% रेट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके। तो 2 lakh जीएसटी आपने पे करा, आपको पड़ी 12 lakh। ठीक है भैया, हो गया। अब आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया। ठीक है। जीएसटी की फाउंडेशन है, आप इसे 5 साल तक यूज करोगे। ओके। अब 5 साल को क्वार्टर्स में अगर मैं बांटूं, तो 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 20 क्वार्टर्स हो गए। आपने 100% ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया, इसको क्वार्टर के हिसाब से डिवाइड करो, तो 5% पर क्वार्टर एक तरीके से आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। ठीक है। अब समझो, आपने ये मशीन
चार साल यूज की और उसके बाद परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर, परमानेंटली चार साल आपने यूज की, फोर इयर्स, तो बचा एक साल। तो जब आपने एक साल वो चीज यूज ही नहीं करी तो उस एक साल का जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हो वो वापस करना पड़ेगा वापस। तो पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर 5% बनता है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर और पर क्वार्टर 5%, तो 20% ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। फॉर एग्जांपल अगर ये 18% हुए तो 1,80,000, तो 11,80,000 आपने पे किया, तो 4 साल आपने मशीन यूज करी और फिर उसे परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ करा, तो 1 साल आपने यूज नहीं करी, तो कितने साल यूज नहीं करी या कम यूज करी, 5 साल से, तो 4 क्वार्टर्स और पर क्वार्टर 5% बनता है, तो दैट्स 20%। तो जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर चुके हो उसका 20%, तो 1,80,000 का 20%, दैट्स 36,000 रुपए, 36,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको वापस करना पड़ेगा। तो मेरे भैया हो सकता है डिस्पोज ऑफ, आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, हटा दी बिजनेस से, फेंक दी, तो नो कंसिडरेशन, लेकिन तब भी इस पे जीएसटी लग रहा है, मतलब एक तरीके से आपको 36,000 पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, अगर आप ऐसे परमानेंटली ट्रांसफर करते हो और 5 साल से पहले आप उसे डिस्पोज ऑफ या ट्रांसफर कर देते हो परमानेंटली, तो ये दो चीजें हैं, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम उतना आपको पे करना पड़ेगा वापस से गवर्नमेंट को। एक प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर जो मैंने आपको समझाया, तो हमारा आ रहा है 36,000, और एक जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी उसका 8% मार्केट वैल्यू, ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन में गिवन होगी, जब आपने 4 साल बाद उसको बेचा तो उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी, तो उसका 28%। तो ये फिगर, दैट्स 36,000 हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, और ये वाली फिगर, इन दोनों में से जो भी ज्यादा आएगा उतना आपको रिफंड करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। आगे दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्संस अंडर सेक्शन 25। अंडर सेक्शन 25 एक तरीके से हमारी जो ब्रांच होती है डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, तो वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन होती है क्योंकि उसको भी रजिस्ट्रेशन डिफरेंट करानी पड़ती है। ओके, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्संस अंडर सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अगर हमारी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को दे रही है या एक हेड ऑफिस दूसरी ब्रांच को या ब्रांच हेड ऑफिस को दे रहा है गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो हालांकि वो फ्री है क्योंकि वो एक दूसरे से पैसा नहीं लेंगे, लेकिन उस पर जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, एक छोटी सी चीज है, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉई को गिफ्ट देता है अप टू 50,000, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पे सर्विसेज नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, एजेंट एंड प्रिंसिपल, या तो प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स दे या गुड एजेंट प्रिंसिपल को दे, भाई प्रिंसिपल ने एजेंट को दिए बेचने के लिए आगे, जैसे कंसाइनर कंसाइनी को देता है, या फिर पहले एजेंट ने गुड्स रिसीव किए ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल और फिर वो एजेंट वो गुड्स प्रिंसिपल को भेज रहा है। तो भैया चाहे प्रिंसिपल एजेंट को भेजे गुड्स या एजेंट प्रिंसिपल को भेजे गुड्स, तो हालांकि नो कंसिडरेशन, लेकिन उसको हम सप्लाई मानेंगे और उस पर जीएसटी लगाएंगे, वो और बात है कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो एक तरीके से ये और ये देखा जाए तो एक तरीके से सेम है। फोर्थ, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, हिज एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन, ऑब्वियसली बात है विदाउट कंसिडरेशन, ओनली इफ
in the course or furtherance of business. देखो अगर आप import of services करते हो और उसके लिए payment करते हो तो मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि वो आपका related बंदा है नहीं है, आपका कोई भाई बंदा है नहीं है. आपने अगर import की services और उसके लिए payment कर दी, मुझे कोई मतलब नहीं है वो आपने business के लिए करी, private business के लिए कुछ भी करी, that's a supply, उस पे GST लगेगा, मतलब IGST लगेगा. लेकिन अगर आप import of services करते हो from a related person outside India और from his own establishment outside India, मेरी खुद की ब्रांच है वहां से मैंने import किया without consideration, उसके लिए कोई consideration नहीं, तब भी वो GST Act में supply मानी जाएगी अगर in the course of furtherance of business है तो. अगर वो private purposes के लिए है, not taxable. ठीक है, तो सबसे पहले सप्लाई में तीन चीजें थी, शेड्यूल वन में चार चीजें थी. सप्लाई में तीन चीजें, ए ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय द नेम ऑफ सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर लाइसेंस रेंटल लीज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इंपोर्ट और सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन डजंट मैटर whether in the course of furtherance of business or not. Third, schedule 1 mein jo activities specified hai, either made or agreed to be made without consideration. Now schedule 1 char activities hai. Permanently transfer or disposal of the business assets before 5 years. To maximum of the following is to be repayment by the person. First, proportionate jo bhi uska input tax credit banta hai. Dusra, मार्केट वैल्यू इनटू में 28%. इन दोनों में से जो भी ज्यादा अमाउंट होगा वो आपको पे करना है. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्संस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 25 विदाउट कंसीडरेशन तो है ही है, ऑब्वियस ही बात है, वही हम पढ़ रहे हैं. इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई ऑफ गुड्स प्रिंसिपल एजेंट एजेंट सप्लाई एजेंट प्रिंसिपल इन द कोर्स और furtherance of business. Import of services without consideration only if in the course of furtherance of business. तो सबसे पहले तीन चीजें included हैं और फिर schedule one में चार चीजें. Now what is excluded? Schedule 3 activities or transactions. Schedule 3 में जो activities or transactions specified हैं, also the activities or transactions undertaken by the central government, state government or the local authority as is specified by the government with the recommendations of the council. Now schedule 3. So schedule 3 mein employer-employee relationship, services provided by the member of parliament, member of panchayat, member of state legislatures, member of local authorities, services provided by the courts or tribunals as established by law, actionable claims except lottery, betting. Okay. Activities of services related to funeral, burial, ceremonial or mortuorial or also the services of transportation of the deceased, dead body. So, jalana, dafnana, jo kuch bhi hai, ya fir ambulance, matlab transportation of dead body.